हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, विंटर में आप सभी लोग ड्राई फ्रीजी एंड रैकेट हेयर से परेशान होते हैं, क्योंकि विंटर का मौसम ही ऐसा है कि उसके कारण से हमारी जो स्किन है, हमारी जो हेयर है, वो बहुत ही ड्राई हो जाती है एंड स्कैल्प में बहुत सारा डैंड्रफ भी होती है। तो इसी के वजह से हमारे जो हेयर है वो टूटने लगती है, उसमें टैंगल्स आ जाती है। तो इसी के कारण मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी हेयर मास्क की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसको यूज करने के बाद वन वॉश में ही आपकी जो हेयर है सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हो जाएगी। तो आप देख रहे हो मेरे हेयर जस्ट वन वॉश में ही कितनी सिल्की हो गई है, स्मूथ हो गई है, टैंगल्स फ्री हो गए हैं। एंड ये है प्रोटीन हेयर मास्क। प्रोटीन जिस तरह से हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे मसल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। हमारी जो हेयर है उसमें होती है केराटिन, जो हम ट्रीटमेंट पार्लर में करते हैं, वही ट्रीटमेंट आज हम घर में करेंगे। आपकी हेयर इतनी सिल्की एंड स्मूथ हो जाएगी कि आप चेकिंग नहीं कर पाओ। आज मैं आप लोगों के लिए एक हेयर मास्क लेकर आया हूँ एंड वो है प्रोटीन हेयर मास्क। प्रोटीन हेयर मास्क जो है वो हमारे हेल्दी हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से प्रोटीन को हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे हेयर के लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रोटीन किस तरीके से हमें कंज्यूम करना है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज मैं बताऊंगी प्रोटीन हेयर मास्क के बारे में। ये जो हेयर मास्क है बहुत ही बेनिफिशियल है एंड बस आपकी हेयर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे हो हेयर फॉल हो, स्प्लिट एंड हो, फ्रिजी हेयर हो, हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो सारे जो प्रॉब्लम है 80-90% आपकी जो है सॉल्व होने वाली है ये हेयर मास्क से। तो इस हेयर मास्क को बनाना भी बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स चलिए आप देख लेते हैं इस हेयर मास्क को हम कैसे बनाएंगे एंड किस तरीके से अप्लाई करना है, सारे जो डिटेल्स है चलिए देख लेते हैं। इस ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें जो चाहिए वो है एग। एग में होती है फुल प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, जो मैंने पहले ही बताया है। तो आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ये एग लेना। मेरे हेयर काफ़ी लॉन्ग है तो मैंने यहाँ पर दो एग लिया है एंड इस एग को मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड आपको एक यक एंड वाइट पर दोनों ही लेना है। उसके साथ आपको मिक्स करना है कर्ड, जो स्वीट कार्ड होती है वो नहीं लेना है, अनस्वीटेंड कार्ड लेना है। ये भी आपको लेना है अपने बालों के हिसाब से, रेशियो जो है वो 50-50 होना चाहिए एंड एक जो होना चाहिए वो ज़्यादा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेना है लेमन जूस, मैंने यहाँ पर 1 बिग साइज का लेमन का फुल जूस लिया है। ये लेमन हमारे स्कैल्प में जो भी डैंड्रफ होती है उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद हमें लेना है ऑलिव ऑयल, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल लेते हो तो आपकी जो हेयर है वो और भी सिल्की एंड स्मूथ हो जाएगी। ये ऑलिव ऑयल हमारी न्यू हेयर की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है एंड ये प्रोटीन भी हमारे न्यू हेयर की ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। तो अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ हमें मिक्स करना है ताकि ये मिक्स हो जाए, देन हमें इसको अप्लाई करना है। तो देखिए मेरा हेयर ये जो मास्क है इसको अप्लाई करने से पहले कुछ इस तरीके से थी, थोड़ी बहुत ड्राई थी, रफ थी। तो मैं ये आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि मेरे हेयर में ये कितना चेंज आया है। तो आप देख ही सकते हो मेरे हेयर कैसा है अभी।
एंड किस तरीके से इसको अप्लाई करना है मैं ये आपको वो भी दिखाती हूँ। इसको अपने स्कैल्प में भी लगाना है एंड हेयर की पूरे लेंथ में भी आपको लगाना है। पूरा जो हेयर है, स्कैल्प है, उसको कवर करना है। ये आप अगर आप अपने स्कैल्प में लगाते हो तो आप अपने स्कैल्प से जो भी डैंड्रफ है वो वन वॉश में ही रिमूव हो जाएगी एंड आपकी हेयर आप वन वॉश में ही आप अपने हेयर में चेंज देख सकते हो। तो इस तरीके से लगाना है आपको जैसे मैंने लगाया है एंड इसको छोड़ देना है मिनिमम 60 मिनट्स तक। एक घंटे के बाद आप अपना जो हेयर है प्लेन वाटर से वॉश कर लेना, मैं कहूँगी ऐसा ही करना। उसके बाद नाइट में आप ऑयल यूज़ करना एंड मेरे चैनल में जो हिबिस्कस ऑयल मैंने बनाया है वो आप लगा सकते हो तो आप उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगी। आपकी हेयर इतनी सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाएगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी ही हेयर है। अगर आपकी हेयर बहुत ही ड्राई एंड डैमेज है तो देखिए मैंने वॉश कर लिया है एंड उसके बाद मैंने ऑयल यूज़ किया देन शैम्पू किया। तो एक दिन बाद ही आप शैम्पू करना। अगर आपको ज़्यादा स्मेल आती है एक की तो आप उस दिन ही शैम्पू कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी आप एक दिन रुक जाइए, उसके बाद ऑयल यूज़ कीजिए देन आप अपनी हेयर में शैम्पू करना एंड आपकी हेयर में जो भी डैंड्रफ है बिल्कुल रिमूव हो जाएगी एंड इतनी सिल्की हो जाएगी कि आप देख ही रहे हो मेरे हेयर में कोई भी टैंगल्स नहीं एंड आप अपने जो हेयर है अपने फिंगर से ही उसको जस्ट अलग कर सकते हो, इतनी सिल्की एंड स्मूथ हो जाएगी। एंड धीरे धीरे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो अपने हेयर में एक अलग ही वॉल्यूम आपको नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स आप इस प्रोटीन हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।